subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. कुंडली भाग्य की तमाम अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। तो अब आपको बता दें कि करण को होगा अपने किए हुए गलतियों पर पछतावा। जहां करण को प्यार तो है प्रीता से, लेकिन नफरत भी ज्यादा है और नफरत के ही चलते करण को अपना प्यार प्रीता के प्रति दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है तो गुस्सा, जिस कारणवश प्रीता से वो शादी करने के लिए निकल पड़ा है और इन दोनों की शादी भी हो जाएगी और शादीशुदा जिंदगी व्यतीत करने का सुख भी नहीं मिलेगा, क्योंकि करण प्रीता से नफरत जो करने लगा है। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतेंगे और समय के साथ सब कुछ ठीक होता जाएगा और महेश भी कोमा से बाहर आ जाएगा, तब महेश से समझ में आएगा करण को कि प्रीता निर्दोष थी और उसे गलत सजा दी गई है। जहाँ प्रीता से माफ़ी भी मांगेगा करण, और करण यहाँ तक कि अपने दिल की बात भी कह देगा। तो क्या महेश के जरिए ही प्रीता निर्दोष साबित होगी या फिर करण की दिल की बात बार बार झूठी हो जाएगी साबित? तो आगे की अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़ न्यूज रूम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.